कि कई लोग कहते हैं कि रास्ते से इसलिए भटक जाता है कि रोजगार के अवसर नहीं, कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर पूरे देश को आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से ज्यादा बेरोजगारी झारखंड के कुछ इलाके में है, जम्मू कश्मीर से ज्यादा बेरोजगारी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके में है, वहां क्यों नहीं भटक जाते रास्ते से? इस बात पर विचार करिए आप। ये हमारे लिए प्रायोरिटी एरिया है और एक अलग से मिशन यूथ करके हमने डिपार्टमेंट ही बना दिया है जो इस काम को कर रहा है। ढेर सारी स्कीम्स उसमें हम चला रहे हैं, ये टूरिस्ट विलेज नेटवर्क, उसमें हम हर लोकल यूथ को 10 लाख रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं। अगर कोई नौजवान यहाँ का फिल्म की शूटिंग करना चाहता है 10 लाख उसको दे रहे हैं, अगर कोई लोकल गाना अपना शूट कर रहा है तो उसे भी 2 लाख रुपया दे रहे हैं। अनेक मुमकिन हर पंचायत में एक छोटी लाइट कमर्शियल व्हीकल, एक तरह से बिना पैसे के नौजवानों को अब तक 4482 दी जा चुकी हैं, उसमें 80,000 जिस कंपनी की गाड़ी है टाटा या अशोक लैंड वो सब्सिडी देते हैं, 81,000 80,000 हम देते हैं और बाकी जो प्रधानमंत्री मुद्रा में उस नौजवान को तो बिना एक पैसे, और उसमें 1 साल का मेंटेनेंस भी फ्री है। तेजस्वनी, ये बच्चियों को सपोर्ट हम करते हैं, 100 करोड़ की सहायता इनको हम दे चुके हैं। राइज टुगेदर, यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट यूथ क्लब्स, सुपर 75 एंड सुपर B75, ये कोचिंग भी शुरू किया है और उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं बच्चों को जो IIT, NEET, IAS, KAS इन परीक्षाओं में जा रहे हैं। स्पोर्ट्स, पिछले साल 17 लाख बच्चों ने स्पोर्ट्स में भाग लिया था, इस साल का हमने लक्ष्य रखा है 35 लाख का। और जो अभी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें द मेडल टैली ऑफ JNK एट नेशनल लेवल 21-22, 77 गोल्ड, 95 सिल्वर, 112 ब्रांज, माने 77 स्वर्ण पदक, 95 रजत पदक और 112 कांस्य पदक। स्पोर्ट्स पॉलिसी 2014 में हाईकोर्ट से एक स्टे हो गया था, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटे में न कोई अपॉइंटमेंट होता था, न किसी अच्छे स्पोर्ट्स मैन को कोई आर्थिक सहायता मिलती थी। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बना दी गई है और गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों पदों पर स्पोर्ट्स में जैसा आप खेलें, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस हिसाब से आपकी नियुक्ति अंतिम चरण में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले महीने डेढ़ महीने में 222 नियुक्तियां इनकी हो जाएंगी।